एपिसोड नंबर 382 382 अपने मन में उपजे मोह की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी भगवान राम के बाल रूप की अद्भुत छवि का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है ये मनोहारी रूप, लाल लाल हथेलियां मानो कमल की रक्ताभ पंखुड़ियां हों, भुजाओं पर रत्नजटित आभूषण, सिंह शावक की भांति कंधे, शंख के समान तीन रेखाओं वाली ग्रीवा, लाल अधरों के पीछे ऊपर नीचे दो दो दंतलियां, सुंदर गाल और चंद्र किरणों की भांति शीतलता प्रदान करने वाली मधुर मुस्कान। शिशु रूपधारी श्रीराम आंगन में अपनी परछाई देखकर नर्तन करते हैं, कभी कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसके फुदक कर भाग जाने पर ललचाने के लिए उसे पुआ पकवान दिखाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की ये लीला देख काकभुशुंडी के मन में सहज ही कौतूहल होता है कि प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हैं, और मन में ये शंका आते ही उन पर प्रभु प्रेरित माया आच्छादित हो जाती है। अरुण पाने नख कर जमनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर कंध बाण के हरि दर ग्रीवा चारु चिबुक आन छवि सीवा कलबल बचन अधर अरुणारे दुई दुई दसन विसर बरबार ललित कपोर मनोहर नाथा सकल सुखद शशिखर समहासा नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भिकुटि सम श्रवण सुहाए कुंचित कच मेचक छवि छाए पीत छीनि छगुली कन सोही किरकनिक्षित बनि भावति मोही रूप राशि निपाजिर बिहारी नाचहि निज प्रतिबिम्ब सन कर विविधि विधि क्रीड़ा वरन चमोही होती अति पीड़ा किलकत मोही
समीप गहन पद फिर चितई पराही प्राकृत सिसुईवली चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह राकापति षोडश